डिंडोरी में कांग्रेस ने अपने कार्यालय को मोहब्बत की दुकान नाम दे दिया है। अब कांग्रेस के इस कदम पर भाजपा ने तंज कसते हुए पोस्टर जारी कर इसे नफरत का सामान बताया है। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में अति उत्साह का वातावरण है। जिला कांग्रेस ने अपने कार्यालय को राहुल गांधी के जुमले मोहब्बत की दुकान का नाम दे दिया है। वहीं भाजपा ने भी पोस्टर जारी कर इसे नफरत का सामान बताया है। अब कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी सत्ता के लिए झूठ और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। आज भी इन हालातों में हमारे नेता मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं। हमने जिस तरह से कर्नाटक में जीत हासिल की है, वैसे ही मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। देखिए, देश के अंदर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी मोहब्बत के पैगाम लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश के अंदर पूरी देश के अंदर भाईचारा, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत के प्रति लोगों को अपनापन के साथ जीवन जीने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मोहब्बत के जैसे ही रास्ते पे चलने के लिए अपने देशवासियों से अनुरोध किया और कर्नाटक की जनता ने कदम से कदम मिलाकर के इस अनुरोध को स्वीकार किए और नफरत फैलाने वालों को उन्होंने दूर किया। वहीं डिंडोरी जिला भाजपा अध्यक्ष अवधराज बिलैया ने कहा कि जिन लोगों ने इतने साल इस देश पर शासन किया, आज वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण भारत का बंटवारा किया था। इन्होंने ही 1975 में इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाला था। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के पूर्वज पूरे भारत में आज़ादी से अगर हम शुरू करें तो आज़ादी से उन्होंने नफरत की दुकान फैलाई थी। नफरत उनके खून में है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब भी नफरत के कारण और केवल और सत्ता की लोलुपता के कारण भारत के टुकड़े कर दिए गए। आज़ादी के बाद 1975 में हम बात करें तो लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और अनेकों कार्यकर्ताओं को, अनेकों भारत के नागरिकों को जेल में बंद कर दिया गया, बिना कारण के, बिना कोई दोष के उनको बंद कर दिया गया। 1984 की दंगे की बात करें तो अनेक सिखों को बिना कोई कसूर के उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे नफरत की दुकान फैलाने वाले लोग आज मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।